खेत में मिला खजाना, हैरान हो गए लोग। पैसे लूटने की मची होड़, जमकर हुई आपाधापी। पुराने नोट के लिए मारा मारी। भले ही पुराने 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुरानी नोट अपने पास रखी हुई है। इसका खुलासा राजधानी पटना के सिगोड़ी थाना क्षेत्र के पसौड़ा गांव में हुआ है, जहां पुराने नोट मिलने की खबर सामने आई है। जैसे ही ये बात लोगों को पता चली तो मौके पर भीड़ जुट गई। इसके बाद जिसके हाथ जितना नोट लगा वो उसे बटोर कर चला गया। जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक लोग रफू चक्कर हो गए थे। सूचना मिली थी कि यहाँ कुछ नोटबंदी के बाद जो पुराना नोट था वो जमीन के अंदर खेत जोताई के समय में मॉल मिला था। हम लोग के आने से पहले ही ग्रामीण सब कुछ कुछ उठा उठा के सब लेके चले गए हैं। यहाँ एक भी नोट अभी बरामद नहीं हो पाई। कितना लगभग था सर? अभी तो ग्रामीण बता रहे हैं कि 40-50 लाख के आसपास होगा। मिली जानकारी के मुताबिक पसौड़ा गांव निवासी अजय सिंह के खेत में ट्रैक्टर से जुताई चल रही थी। इस दौरान नोटों से भरा बोरा ट्रैक्टर के हल में फंस गया। जब रवि भूषण ने ट्रैक्टर से उतरकर हल में फंसे बोरे को निकालने की कोशिश की तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। बोरा फटने के कारण 500 और 1000 के नोट हवा में उड़कर पूरे खेत में फैल गए। रवि भूषण भागकर गांव में आया और उसने घटना की जानकारी खेत के मालिक और ग्रामीणों को दी। खेत जोड़ान के जोताई के करान कम से कम 200 अरब से रुपया ज्यादा था, 1 बोरा रुपया था। उसमें हम जोत रहे थे, हम अपना खेत जोतने आए, उसके कारण हमारे पड़ोसी भाई कहे कि हमारे खेत जोत दिए। हम उड़का पंचायत के पंचायत समिति हुए, हम अपना काम से आए थे जोतने। जोतने के कारण हमारे पड़ोसी भाई कहे कि हमारे खेत भैया जोत दीजिए। जोतते समय एकाध बोड़िया से ऊपर रुपया और वो 10 अरब से रुपया ज्यादा था, पूरा खेत में बिछौना हो गया। किस चीज कितने कितने का नोट था? 500 के नोट था, सिर्फ 1000 का नोट। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी तादाद में पुराने नोट जमीन के अंदर किसने गाड़ रखे थे। पुलिस लूटे गए पुराने नोटों की बरामदगी के लिए छापेमारी में जुट गई है। विकास ओझा, पट्टा।